हे गाइस, दिस इज दीपक ध्यानी। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। जावास्क्रिप्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स। तो इसमें देखते हैं, डेटा टाइप्स आपको पता ही है जो आपके डेटा का डिक्लेयर करता है। तो इसमें डेटा टाइप्स को कैटेगराइज किया गया है स्ट्रिंग में, नंबर में, बूलियन में, एरे में और ऑब्जेक्ट में। थोड़ी सा डिफरेंस है अदर लैंग्वेज से, सी या सी प्लस प्लस या जावा से। ठीक, तो स्ट्रिंग क्या होती है? अदर लैंग्वेज में हम सीखते थे स्ट्रिंग वो होती है जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। जैसे आपने लिखा हुआ है नेम, जो डबल कोट्स के अंदर होता है वो स्ट्रिंग होता है। यहां ऐसा नहीं होता है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है वो ही स्ट्रिंग होता है। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारा स्ट्रिंग है। आपने खाली सिंगल कोट्स के अंदर ए लिखा हुआ है, ये भी स्ट्रिंग है। आपने सिंगल कोट्स के अंदर ए बी लिखा है, ये भी स्ट्रिंग है। डबल कोट्स वाला तो होगा ही होगा। नंबर डेटा टाइप कैसा होता है? जैसे आपने दिया हुआ है वेयर ए इक्वल टू 10, ये भी आपका नंबर डेटा टाइप होगा। अगर आपने दिया है वेयर ए इक्वल टू 10.5, ये भी आपका नंबर डेटा टाइप हो गया। अगर अदर लैंग्वेज में देखें ये इंटीजर हो जाएगा, ये फ्लोट। यहाँ ऐसा नहीं होता, ये दोनों क्या हो गए हैं? नंबर डेटा टाइप। ठीक, और बूलियन क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। चेक करते हैं ट्रू और फॉल्स को। एरे आप जानते ही हैं, जिनको हम ऐसे, एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर होल्ड कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा है 10.5.6.8, ये किस टाइप का डेटा टाइप हो जाएगा? आपका एरे। ऑब्जेक्ट भी ऐसा ही होता है कुछ, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा होता है वो किस टाइप का डेटा टाइप होता है? आपका ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट: स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे और ऑब्जेक्ट। गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।